लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 20 मैच में शनिवार को यहां सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से शिकस्त दी। इस मैच में जहां निकोलस पूरन ने 12 गेंदों पर 44 रन बनाकर लखनऊ को जीत दिलाई, तो वहीं मैच के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सुर्खियां बटोरी। दरअसल हैदराबाद की पारी के दौरान अब्दुल समद को आवेश खान ने एक फुल टॉस गेंद फेंकी जो कमर की ऊंचाई की थी, लेकिन उस गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार नहीं दिया। अंपायर का मानना था कि बल्लेबाज ने जब शॉट मारा तो वे हवा में थे, ऐसे में नो बॉल नहीं दिया जा सकता। इस घटना के बाद नॉन स्ट्राइक पर खड़े हेनरिक क्लासेन भड़क गए और अंपायर से बहस करने लगे थे। यही नहीं, यह घटना उस समय और बढ़ गई जब हैदराबाद के फैंस विराट विराट कहकर गंभीर की हूटिंग करने लगे। यही नहीं, अंपायर के गलत फैसले से दर्शक दीघा में मौजूद फैंस भड़क गए और खिलाड़ियों पर नट बोल्ट फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे में लखनऊ के प्रेरक माकर के सिर पर चोट आ गई, जिसके बाद खिलाड़ियों ने अंपायर से शिकायत की और कुछ देर के लिए मैच को रोकना भी पड़ा। वहीं हैदराबाद टीम के फील्डिंग कोच जॉन्टी रॉड्स ने एक ट्वीट के जवाब में इस बात का खुलासा भी किया कि दर्शकों ने मैदान पर नट और बोल्ट फेंके थे। रॉड्स ने अपने ट्वीट में बताया कि डगआउट पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों पर नट और बोल्ट फेंके गए। प्रेरक मार्कर लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी उनके सिर पर वे जा लगे। जॉन्टी रॉड्स के इस खुलासे ने एक बार फिर खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि फैंस को स्टेडियम में नट बोल्ट ले जाने की इजाज़त कैसे मिली? क्या गेट पर फैंस की चेकिंग अच्छी तरह से नहीं हुई थी? तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए।